रूमेटॉइड फीवर वो स्थिति है जो आपके गले से अराइज होती है। जब आपके गले का सोर थ्रोट का इन्फेक्शन अनट्रीटेड रह जाता है तो वही स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरिया आपके हार्ट के वाल्व तक को इन्फेक्ट कर देता है, आपके जॉइंट्स को इन्फेक्ट कर देता है और आपको एक ख़तरनाक कंडीशन में ले आता है। तो पहली बात तो ये साथियों कि अगर सोर थ्रोट हो तो उसको ये 1-2 रुपए की मेडिकल स्टोर से दवा लेके काम ना चलाइए, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए। और अगर आपको रूमेटॉइड फीवर की किसी को तकलीफ है तो उसके लिए हमने यह उपाय बताए, लेकिन आप सोर थ्रोट यानी गले की खराश को गंभीरता से लीजिए, यही इस वीडियो का मैसेज है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे क्रॉनिक कंडीशन की जिसको कि कहते हैं रूमेटॉइड फीवर। रूमेटॉइड फीवर एक क्रॉनिक कंडीशन है जो कि आपके हार्ट से लेके तमाम ऑर्गेन्स को डैमेज कर सकती है, हार्ट की वॉल्व को ख़राब कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे रूमेटॉइड फीवर को ठीक करने की, कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं रूमेटॉइड फीवर होता क्या है। रूमेटॉइड फीवर जब आपका थ्रोट को इन्फेक्शन हुआ होता है, उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आपके जो बैक्टीरियम है स्ट्रेप्टोकोकस ए वह आपको इन्फेक्ट करता है और आपके हार्ट से लेके तमाम बॉडी के ऑर्गेनिज को डैमेज पहुंचाता है। एक बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है और ख़ासतौर से बच्चों में यह होती है और इसको कंट्रोल पाना बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी होता है। इसके सिम्टम्स के बारे में साथियों जान लेते हैं। रूमेटॉइड फीवर आपको जब स्ट्रेप्टोकोकस ए का थ्रोट में इन्फेक्शन होता है उसके 2 से 4 हफ्ते बाद रूमेटॉइड फीवर की शुरुआत होती है। रूमेटॉइड फीवर होने पर साथियों आपके सीने में दर्द होता है, आपको फटीग आता है, आपको फीवर आता है, जॉइंट्स में आपके पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। यह सब तमाम सिम्टम होते हैं रूमेटॉइड फीवर के। कॉजेस की बात कर लेते हैं साथियों। रूमेटॉइड फीवर का कॉज कारण जैसा हमने बताया कि इनएडिक्वेटली ट्रीटेड थ्रोट इन्फेक्शन। जब आपको स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरियम इन्फेक्ट करता है तो आपके रूमेटॉइड फीवर एक इन्फ्लामेटरी डिजीज के रूप में सामने आता है जिसमें कि आपको जो है वह तमाम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आज हम बात बताएंगे आपको रूमेटॉइड फीवर को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। लेकिन दवा बताने से पहले साथियों बता दें यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं रूमेटॉइड फीवर को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। पहला सिम्टम जो साथियों रूमेटॉइड फीवर में आता है वो होता है घबराहट। अगर आपको रूमेटॉइड फीवर का आपको इन्फेक्शन हुआ है यानी स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरियम का इन्फेक्शन हुआ है आपको, तो पेशेंट में घबराहट होती है। तो अगर आपको फियर की टेंडेंसी हो अलॉन्ग विथ रूमेटॉइड फीवर, आपको फीवर आ रहा हो, आपको बहुत डर लग रहा हो और आपको थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लग रही हो, पानी पीने का दिल कर रहा हो, तो आपको रूमेटॉइड फीवर को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एकोनाइट। आप एकोनिटम नेप्लस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके फीवर को उतारेगी और आपके रूमेटॉइड फीवर को ठीक करेगी, आपके डर को ख़त्म करेगी। एक सिम्टम साथियों और होता है एकोनाइट का कि एकोनाइट के बुखार में गाल लाल हो जाते हैं और स्किन ड्राई हो जाती है। तो अगर यह सिम्टम है तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस एकोनाइट हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि जब आपके रूमेटॉइड फीवर आ रहा है और आप बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं, तो अगर यह स्थिति किसी मरीज को हो कि उन्हें फीवर आ रहा है रूमेटॉइड और आप बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सैलिसिलिक एसिड। आप सैलिसिलिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन मूवमेंट है तो यह दवा आपको लाभ देगी, आपको आराम देगी और आपको स्वस्थ रखेगी। रूमेटॉइड फीवर की साथियों एक बहुत कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है वो होता है पेरिकार्डियम। ये आपका डॉक्टर आपको बता देगा। पेरिकार्डियम आपका जो आउटर कवरिंग होती है हार्ट की उसको पेरिकार्डियम कहते हैं।
तो पेरिकार्डियम में जब रूमेटॉइड फीवर का स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरियम का इन्फेक्शन होता है और आपको रूमेटॉइड फीवर होता है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। एनाकार्डियम ओरिएंटेल यानी एनाकार्डियम 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस स्थिति में दे सकते हैं जब आपकी हार्ट की वॉल्व में इन्फेक्शन हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का और मेंटल स्थिति मरीज की एब्सेंट माइंडेड हो रही है और लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है या वीक मेमोरी हो रही है तो उन सारी स्थितियों में एनाकार्डियम बहुत अच्छी दवा है आपके रूमेटॉइड फीवर को ठीक करने के लिए और आपके हर्ट से इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। एक स्थिति साथियों रूमेटॉइड फीवर में आती है कि आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस हो। अगर आपके जोड़ों में स्टिफनेस है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रस्टॉक्सीडेंड्रॉन। रस्टॉक्स 1 mg में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। जब आपके जॉइंट्स में पेन हो स्टिफनेस हो और चलने से आपको आराम मिलता हो वो स्टिफनेस दूर होती हो ऐसी स्थिति में आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस रस्टॉक्स है। इसको आप 1 mg पावर में लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों रूमेटॉइड फीवर में आता है कि मरीज के जोड़ सूज गए जो जॉइंट्स है उनका इन्फ्लामेशन हो गया उनमें बहुत पेन होने लगा रेडनेस होने लगी तो अगर यह स्थिति हो कि आपके जॉइंट्स स्वेल कर गए उनमें बहुत पेन है और रेडनेस है और आपके पूरे बॉडी में ब्रूस्ट पेन हो रहा है जैसे कि बहुत मारा गया हो ऐसा सूजन वाला दर्द हो रहा है तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है आर्निका। आप आर्निका 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो पेन हो रहा हो और आर्निका की साथियों ब्रूस्ट फीलिंग हो बॉडी में। और आर्निका की एक बहुत खास बात है आर्निका का जो पेन होता है वो सिमेट्रिकल होता है यानी जितना इस साइड होगा राइट साइड बॉडी के उतना ही लेफ्ट साइड होगा तो यह सिमेट्री इन्वॉल्व हो तो आपकी रूमेटॉइड फीवर को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है आर्निका। एक स्थिति साथियों रूमेटॉइड फीवर में आती है कि पेन की शिफ्टिंग हो रही हो आपके फीवर हो और साथ में आपके बैक में और एक्सट्रीमिटीज में पेन हो रहा हो और वो बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा हो। एक होता है स्लो शिफ्टिंग एक होती है बहुत तेज़ शिफ्टिंग। अगर बहुत तेज आपके बॉडी में शिफ्ट हो रहा है पेन तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काल्मिया लेटिफोलिया। काल्मिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है। अगर आपके शिफ्टिंग ऑफ पेन फ्रॉम वन जॉइंट टू सेकेंड जॉइंट बहुत फास्ट हो रहा हो और अगर वो धीमे शिफ्टिंग हो रही हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटला नाइग्रा। पल्सेटला 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब स्लो शिफ्टिंग ऑफ पेन हो और जब फास्ट शिफ्टिंग ऑफ पेन हो तो काल्मिया लेटिफोलिया। तो इस तरह से ये दो दवाएँ आपके रूमेटॉइड फीवर के शिफ्टिंग पेन के लिए बहुत कारगर दवाएँ हैं। एक स्थिति साथियों रूमेटॉइड फीवर में आती है कि आपको लगता हो दिल धड़कना रुक गया 2-3 सेकेंड के लिए उसके बाद फिर आपका सिंकिंग ऑफ द हार्ट होने लगा और फिर आप नॉर्मल हो गए तो अगर यह सेंसेशन आपके आए कि आपको लगता हो बीच में हार्ट हमारा धड़कने से रुक रहा है और एक सिंकिंग हार्ट की होने लगे तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेट 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ली जा सकती है उस स्थिति में जब आपको सिंकिंग ऑफ द हार्ट की सेंसेशन हो रहा हो और लगता हो हार्ट बीट 2-3 सेकंड के लिए रुक गई तो ऑरम मेट आपको हेल्प करेगी और आपके रूमेटॉइड फीवर को ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आ गई है डलनेस आ गई डिजीनेस आ गई ड्रवलीनेस आ गई है और उसको रूमेटॉइड फीवर है तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों कि पूरा उसके पेन हो रहा बॉडी में खासतौर से बैक में पेन हो रहा और उसको डलनेस डिजीनेस ड्राउजीनेस वीकनेस हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जलसीमियम सेमी परवाइनम। आप जलसीमियम सेमी परवाइनम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको कि डलनेस डिजीनेस ड्राउजीनेस वीकनेस है प्यास जिसको बिल्कुल नहीं लग रही और बहुत नर्वसनेस है ऐसी स्थिति में जलसीमियम उसकी हेल्प करेगी और रूमेटॉइड फीवर को ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों रूमेटॉइड फीवर में आती है कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन जो लाली और गर्मी पूरी आपको बाहर तक दिखने लगे रेड कलर की स्ट्रीक्स आ जाए जॉइंट में तो अगर यह समस्या साथी हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। बेलेडोना होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी पेन किलर भी है एंटी इन्फ्लेमेटरी है।
तो बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप रूमेटॉइड फीवर के केस में ले सकते हैं, जिस समय आपको फीवर बहुत तेज आ रहा हो, आपके जोड़ों में सूज गए हों, लाल सुर्ख हो गए हों, तो उस स्थिति में बेलेडोना आपको आराम देगी। बेलेडोना की तकलीफें साथियों रात में बढ़ती हैं, तो अगर यह सिम्टम है तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस रूमेटॉइड फीवर में बेलेडोना हो सकती है। एक साथियों जो बहुत कॉमन सिम्टम रूमेटॉइड फीवर में आता है वो होता है हड्डियों में दर्द, पेनफुल बोन्स। तो अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, बोन्स में सोननेस है, इचिंग पेन है, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है यूपेटोरियम परफोरेटम। आप यूपेटोरियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं ऐसे मरीज को जिनको कि रूमेटॉइड फीवर के कारण बोन्स में बहुत पेन है, यह दवा उनको लाभ देके उनको सुकून देगी। एक स्थिति आती है साथियों चिचड़ेपन की, जब आप रूमेटॉइड फीवर होता है मरीज को बहुत चिचड़ापन हो गया और उसका स्टूल बहुत हार्ड हो गया, कॉन्स्टिपेटेड हो गया। तो अगर किसी मरीज को रूमेटॉइड फीवर हो, उसको कॉन्स्टिपेशन हो और उसको जो है वह बिल्कुल हार्ड स्टूल हो गया हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्राइनिया एल्बा। आप ब्राइनिया 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको कि कॉन्स्टिपेशन हो, जो इरिटेबल हो गया हो और जिसको चलने से तकलीफें बढ़ती हों, जब वो मूव करता हो तो उसकी तकलीफें बढ़ती हों, अगर यह स्थिति हो तो ब्राइनिया एल्बा ऐसे मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस है, आप उसको दे के रूमेटॉइड फीवर में लाभ पा सकते हैं। एक स्थिति आती है कि मरीज को बहुत ठंडा कपकपी महसूस हो रही है और उसको रूमेटॉइड फीवर हो, तो अगर यह शिवरिंग की कंडीशन है, उसको रूमेटॉइड फीवर है, तो उस रूमेटॉइड फीवर को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ड्रोसेरा रोटेनिफोलिया। ड्रोसेरा 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप हर ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको कि कपकपी शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती हो और ठंडे में उसको आराम मिलता हो और गर्मी से उसकी शिवरिंग और ज़्यादा होती हो, अगर यह सिम्टम हो तो ड्रोसेरा ऐसे मरीज की रूमेटॉइड फीवर में ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों रूमेटॉइड फीवर में कि मरीज को लगता हो वह जकड़ गया है, उसको टाइट आयरन के उससे आयरन की चेन से बांध दिया गया है, तो इस तरह का अगर कॉन्स्ट्रिक्शन आपको बॉडी में महसूस हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में रूमेटॉइड फीवर के केस में बहुत कारगर दवा है कैक्टस ग्रैंडिफोलस। कैक्टस 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ऐसे मरीज को दे दें जिसको कि लगता हो उसको चेनों से बांध दिया गया, उसके बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो, यह दवा उस सेंसेशन को ख़त्म करेगी, रूमेटॉइड फीवर को ठीक करेगी और मरीज को स्वस्थ रख के उसको एक सुकून मिलाएगी। साथियों ये कुछ दवाएं थी रूमेटॉइड फीवर की। रूमेटॉइड फीवर एक खतरनाक कंडीशन है क्योंकि यह आपके जो स्ट्रेप्टोकोकस है बैक्टीरिया होता है, यह आपके जॉइंट्स को इफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट की वॉल्स को इफेक्ट कर सकता है, आपके तमाम ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। तो जो दवाएं इस वीडियो में बताई गई साथियों इसको आप एक जानकारी मात्र समझिए, कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, ये एक प्रयास था आपको होम्योपैथी से जोड़ने का। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाए। निवेदन करेंगे साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।